मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छुट्टियों के दिनों में आपने पर्यटन के लिए सोचा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने अपने राज्यों में 5 दिन 7 दिन कहीं चले जाते हैं, कुछ लोग अपने राज्यों के बाहर जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से फोटो अपलोड कीजिए, और मैंने देखा कि जो काम टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, जो काम हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, जो काम राज्य सरकारें भारत सरकार नहीं कर सकती हैं, वो काम देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे प्रवासियों ने कर दिया था। ऐसी ऐसी जगहों के फोटो अपलोड किए गए थे कि देख करके सचमुच में आनंद होता था। इस काम को हमें आगे बढ़ाना है, इस बार भी कीजिए, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लिखिए, सिर्फ फोटो नहीं। आपकी रचनात्मक जो प्रवृत्ति है उसको प्रकट कीजिए, और नई जगह पर जाने से, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज़ें हम क्लासरूम में नहीं सीख पाते, जो हम परिवार में नहीं सीख पाते, जो चीज़ें हम यार दोस्तों के बीच में नहीं सीख पाते, वे कभी कभी भ्रमण करने से ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। और नई जगहों के नएपन का अनुभव होता है, लोग, भाषा, खान पान, वहाँ के रहन सहन, न जाने क्या क्या देखने को मिलता है। और किसी ने कहा है, अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज ए बर्ड विदाउट विंग्स। शौके दीदार है अगर तो नज़र पैदा कर। भारत विविधताओं से भरा हुआ है, एक बार देखने के लिए निकल पड़ो, जीवन भर देखते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, कभी मन नहीं भरेगा। और मैं तो भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत भ्रमण करने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था, और आप ही की तरह छोटी उम्र थी, मैंने बहुत भ्रमण किया। शायद हिंदुस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ मुझे जाने का अवसर न मिला हो। जिंदगी को बनाने के लिए प्रवास की एक बहुत बड़ी ताकत होती है, और अब भारत के युवकों में प्रवास में साहस जुड़ता चला जा रहा है, जिज्ञासा जुड़ती चली जा रही है। पहले की तरह वो रटे रटाए बने बनाए उसी रूट पर नहीं चला जाता है, वो कुछ नया करना चाहता है, नया देखना चाहता है। मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ, हमारा युवा साहसिक हो। जहाँ कभी पैर नहीं रखा है वहाँ पैर रखने का उसका मन होना चाहिए। मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL नागपुर के पास सावनेर, जहाँ कोल माइंस है, उस कोल माइंस में उन्होंने इको फ्रेंडली माइंड टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है। आमतौर पर हम लोगों की सोच है कि कोल माइंस यानी दूर ही रहना, वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा। और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है, कोयले में हाथ काले, तो लोग यूं ही दूर भागते हैं। लेकिन उसी कोयले को टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना देना, और मैं खुश हूँ कि अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है, और अब तक करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गांव के निकट ये इको फ्रेंडली माइंड टूरिज्म की मुलाकात की है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है। मैं आशा करता हूँ कि इन छुट्टियों में जब प्रवास पर जाएं तो स्वच्छता में आप कुछ योगदान दे सकते हैं क्या। इन दिनों एक बात नज़र आ रही है, भले वो कम मात्रा में हो, अभी भी आलोचना करनी है तो अवसर भी है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि एक जागरूकता ही है, टूरिज्म प्लेसेस पर लोग स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। हो सकता है बहुत वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, नहीं हो रहा है। आप भी एक टूरिस्ट के नाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्वच्छता, उस पर आप बल दे सकते हैं क्या। मुझे विश्वास है मेरे नौजवान मुझे इसमें जरूर मदद करेंगे। और ये बात सही है कि टूरिज्म सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, गरीब से गरीब व्यक्ति कमाता है, और जब टूरिस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता है, गरीब टूरिस्ट जाएगा तो भी कुछ तो लेगा,
अमीर होगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा, और टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में भी बहुत पीछे है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के टूरिज्म के बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार हो, संस्थाएं हो, समाज हो, नागरिक हो, हम सब ने मिलकर के करने का ये काम है। आइए हम उस दिशा में कुछ प्रयास करें। मेरे युवा दोस्तों, छुट्टियां ऐसे ही आके चली जाएं ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आप भी इस दिशा में सोचिए, क्या आपकी छुट्टियां जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष और उसका भी महत्वपूर्ण समय ऐसे ही जाने दोगे क्या? मैं आपको सोचने के लिए एक विचार रखता हूं। क्या आप छुट्टियों में एक हुनर, अपने व्यक्तित्व में एक नई चीज जोड़ने का संकल्प ये कर सकते हैं क्या? अगर आपको तैरना नहीं आता है तो छुट्टियों में संकल्प कर सकते हैं, मैं तैरना सीख लूं। साइकिल चलाना नहीं आता है, क्या छुट्टियों में तय कर लूं मैं साइकिल चलाऊंगा। आज भी मैं दो उंगली से कंप्यूटर को टाइप करता हूं, क्या मैं टाइपिंग सीख लूं? हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने प्रकार के कौशल्य है, क्यों न उसको सीखें, क्यों न हमारी कुछ कमियों को दूर करें, क्यों न हम अपनी शक्तियों में इजाफा करें। आप सोचिए, और कोई उसमें कोई बहुत बड़े क्लासेस चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए, बहुत बड़ी फीस चाहिए, बड़ा बजट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने अगल बगल में भी, मान लीजिए आप तय करें कि मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाऊंगा, कुछ देखिए और उसमें से बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको आनंद आएगा शाम होते होते, देखिए ये कूड़े कचरे में से आपने क्या बना दिया। आपको पेंटिंग का शौक है, आता नहीं है, रच कर शुरू कर दीजिए ना, आ जाएगा। आप अपनी छुट्टियों का समय अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने पास कोई एक नए हुनर के लिए, अपने कौशल विकास के लिए अवश्य करें। और अनगिनत क्षेत्र हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो गिना रहा हूं वही क्षेत्र हो सकते हैं, और आपके व्यक्तित्व की पहचान उससे, और इससे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा। एक बार देख लीजिए, और जब छुट्टियों के बाद स्कूल में वापस जाओगे, कॉलेज में वापस जाओगे और अपने साथियों को कहोगे भाई मैंने तो छुट्टियों में ये सीख लिया, और अगर उसने नहीं सीखा होगा तो वो सोचेगा यार मेरा तो बर्बाद हो गया, तुम बड़े पक्के हो यार कुछ करके आ गए। ये अपने साथियों में सहज बात होगी, मुझे विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। और मुझे बताइए आपने क्या सीखा, बताएंगे ना। इस बार मन की बात में माई गॉव पर कई सुझाव आए। अभी चतुर्वेदी है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में बोला कि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है, तो हमें एक बर्तन में पानी रखकर अपनी बालकनी में या छत पर रख देना चाहिए, जिससे चिड़ियां आकर पानी पी ले। मैंने ये काम किया और मेरे को आनंद आया, इसी बहाने मेरी बहुत सारी चिड़ियों से दोस्ती हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस कार्य को वापस मन की बात में दोहराएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अभी चतुर्वेदी एक बालक का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसने मुझे फोन करके एक अच्छा काम याद करवा दिया। पिछली बार तो मुझे याद था और मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी रखे। अभी ने मुझे बताया कि वो साल भर से इस काम को कर रहा है और उसकी कई चिड़ियाँ उसकी दोस्त बन गई हैं। हिंदी की महान कवि महादेवी वर्मा, वो पक्षियों को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा था, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। आइए महादेवी जी की इस बात को हम भी करें।